हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट से मेल कैसे करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं और आज हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट से मेल कैसे किया जाता है। अगर आपका कोई दोस्त का जीमेल आईडी है आपके पास और आप उसके पास में डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहते हो तो वो जो है आप कैसे कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों इसके बाद में सेकंड वीडियो अपना आएगा RSCIT क्वेश्चन के ऊपर, और अभी ये जो वीडियो है ये जीमेल के ऊपर है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अच्छे तरीके से ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं जीमेल अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको एक जीमेल अकाउंट बना के दिखाया था, इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल अकाउंट से मेल कैसे किया जाता है। तो देखिए सिंपल ही है, वो जीमेल अकाउंट जो आपने बना रखा है वो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसको आपको ओपन कर लेना है। करने के बाद जो है उसके अंदर आपको पासवर्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर आपको पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। और ये देखिए, ये हमारा जीमेल जो है खुल रहा है, अभी लॉगिन होगा। मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जीमेल अकाउंट जो है, ये एड्रेस है, ये आपको पता है, gmail.google.com, ये आपको लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ओपन हो चुका है, इस तरीके से आपके पास में ओपन हो जाएगा। मेरे पास मेल आई हुए हैं इसलिए ये बहुत सारी मेल्स दिखा रहा है। तो आपको जो है क्या करना है, आपके पास में ये ऑप्शन आया होगा कंपोज का, कंपोज का ऑप्शन आया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग होगा और एक बॉक्स आपके सामने खुलेगा। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये खुल गया है। ये बॉक्स है दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है अपना मेल जो है लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मेल जो है वो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं अभी इसके अंदर मेल लिख रहा हूँ, तो ये मैंने अपना जो आईडी है वो लगा दिया है। आपके पास में इस तरह का आईडी होना चाहिए दोस्तों, इस तरह का आपके पास में आईडी होना चाहिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह का आईडी होना चाहिए, राजू सेन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, इस तरीके का आपके पास में एक आईडी होना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह का आईडी आपके पास में नहीं होगा तो आप जो है ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का आईडी आपके पास में होगा तभी आप ये जो जीमेल है वो सेंड कर पाओगे, इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का आपके पास में जीमेल आईडी होना चाहिए। तो इस तरीके का मेरे पास जीमेल आईडी था, इसलिए मैंने जो है आपको यहाँ पे इस बॉक्स में जीमेल आईडी लगा दिया है। ठीक है, अभी देखिए मैं दोबारा से लगा रहा हूँ, तो ये देखिए मरोड़िया किंग, ये कुछ इस तरीके से है जो मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों, अब आपके पास में आता है ये मेन चीज़, सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इसके अंदर जो है जिसके पास में आप मैसेज करते हो उसको जल्दी से मैसेज, जो आपका मेल है वो जल्दी से नहीं मिलता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट। तो जो भी है आपका, जैसे नोट्स फाइल आप भेज रहे हो, नोट्स PDF फाइल, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप उस PDF के बारे में लिखोगे कि मैंने कुछ PDF फाइल जो हैं आपको सेंड की हैं, और आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं दोबारा से, और भी मेरे पास हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। और यहाँ से आप जो है अपना PDF जो है वो अटैच कर सकते हो। यहाँ से जो है आप PDF अटैच कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है आप अटैच करने के लिए क्या करोगे कि ये जो है यहाँ इसके ऊपर जाओगे और यहाँ से कोई भी जो फाइल आपके पास में होगा तो वो फाइल आप ले लोगे और इसके अंदर डाल लोगे। तो अभी देखो ये यहाँ पे डल चुका है, तो हमारा ये तो हो गया अटैच फाइल, ये हमारा अटैच फाइल हो गया।
ये हमारा टेक्स्ट मैसेज हो गया जो एक्सप्लेन हमने किया है, और ये हमारी मेल हो गई जो जीमेल आईडी होगी जिसके पास में हम भेज रहे हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको जो है इस सेंड के ऊपर क्लिक करना है। ये जो सेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके अंदर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये मेल अगले के पास चला जाएगा। अब हम कैसे पता करें कि ये मेल अगले के पास चला गया है? तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, अपना जो ऑप्शन है ये सेंड सेंट जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जो है ये देखिए यहाँ ये पीडीएफ फाइल आपको दिखा देगा। ये जो मेल है मैंने जो सेंड किया है वो मेल आप देख सकते हो यहाँ आ चुकी है। और इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें वो मेल दिखा देगा जो हमने भेजी थी। तो इस तरीके से आप जो है अपना भेज सकते हो जीमेल किसी दूसरे व्यक्ति के पास। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स।